नवीन महेवा मंडी में आलू व प्याज के दामों में गिरावट आई है, जिसके संबंध में नवीन महेवा मंडी के सचिव राजित राम वर्मा ने बताया कि मंडी में आलू 600 से 700 रुपया कुंतल तक बिक रहा है, जो कि अच्छा है। इसके अलावा प्याज दो जगहों से आता है, जो कि एक बंगाल और दूसरा नासिक से आता है, जिसमें बंगाल वाली प्याज 900 और नासिक वाली प्याज 1200 रुपये कुंतल तक बिक रहा है। मंडी में आवक भरपूर है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महेवा मंडी के सचिव राजित राम वर्मा, महेवा मंडी के फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने कहा, आलू प्याज की क्या है? आलू जो है, जो बढ़िया आलू है वो जो है क्वालिटी पे निर्भर कर रहा है कि क्वालिटी, जिसे क्वालिटी अच्छी है तो वो 650 से 700 725 तक, और जो कम गुणवत्ता वाली है तो उसकी तो कोई बात नहीं है, वो तो 600 में भी है, 625 है या और भी लो हो सकता है, लेकिन अच्छी अगर यदि आलू है तो 650 700 725 तक बिक्री हो रही है। और प्याज भी जो है, प्याज में भी दो स्थानों से प्याज आता है, एक बंगाल से एक नासिक से, तो एक स्थान का जो है प्याज कम गुणवत्ता का होता है तो उसका रेट जो है वही लगभग 800-900 है, और एक जो बंगाल के का नासिक का प्याज है वो 1200-1300-1400 इस टाइप के क्वालिटी जैसी है, उसी हिसाब से बिक्री हो रहा है। आवक को लगी क्या स्थिति है? आवक तो ठीक है, आवक जो है कम नहीं है, आवक तो भरपूर है, आवक गत वर्ष से ज़्यादा ही है, कम नहीं है, आवक की कोई वो नहीं है। इस समय आलू प्याज का लाल आलू 7.5 रुपये से लेकर 8 रुपये किलो तक का मिला बिका है, और सफ़ेद आलू 6.5 से 7 रुपये किलो तक का बिका है। सफ़ेद आलू आवक कम आ रही, आवक ठीक है, आवक जो भी आवक आ रही ठीक आवक आ रही है, लेकिन बिक्री नहीं है, बहुत काफ़ी बिक्री बैठी हुई है, कारोबार ठंडा है, ढीला है कारोबार, और सस्ता बहुत काफ़ी आलू हो गया है, और अगल बगल जो लोकल आलू है अभी लोग गांव गांव में आलू इस समय मौजूद है, इसलिए कारोबार बहुत काफ़ी मंदा चल रहा है। मैं फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर।